Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. आज हम पार्टनरशिप वन में नया टॉपिक करने जा रहे हैं. आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं. अभी तक सिंपली तो हम ये टॉपिक कर चुके हैं कि हमें कैपिटल दी हुई है पार्टनर की और हम उस पर परसेंटेज लगा के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं. लेकिन अभी स्पेसिफिकली इसी चीज के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन आएंगे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कैलकुलेट करना है. उसमें काफी सारी एडिशन आएंगी, जैसे कि एडिशनल कैपिटल दी होगी, कैपिटल विड्रॉन भी दी हो सकते हैं, या इस तरह कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ. आज सबसे पहले है आपने कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख के चलना है, तब हम इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेटर कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट टिप है इसके लिए, इट इज कैलकुलेटेड फर्स्टली ऑन ओपनिंग कैपिटल. हमें जो क्वेश्चन में गिवन होती है वो होती है ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग मतलब जो फर्स्ट अप्रैल या फर्स्ट जनवरी वाली कैपिटल होती है, हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी पे कैलकुलेट करते हैं. कैसे? जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए की कैपिटल फर्स्ट अप्रैल को है 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है वो भी हमें क्वेश्चन में दिया होता है. लाइकवाइज हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए उसकी ओपनिंग कैपिटल 1 लाख को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे. परसेंटेज कैसे अप्लाई करते हैं, आई होप यू नो कि परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम अपॉन 100 कर देते हैं, इंटू 5/100. तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया ₹5,000. अब हमें फर्दर और इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उसके लिए अगला टिप है देन कैलकुलेटेड ऑन एडिशनल कैपिटल. मतलब अगले स्टेप में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे किस पे, एडिशनल कैपिटल पे. जैसे कि हमें क्वेश्चन में फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है, ए इंट्रोड्यूस्ड ₹10,000 एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2018. अब ये एडिशनल कैपिटल मतलब वो बिजनेस में और भी पैसा लेके आ रहा है. किस तारीख को लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है 1 अक्टूबर 2018. तो अब एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें मंथ्स को कंसिडर करना होगा. तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साल खत्म कब होना है, वो हम कहाँ से एस्टिमेशन लगाएंगे. जो ओपनिंग कैपिटल थी वो हमें कहाँ किस डेट की दी हुई है, 1 अप्रैल. इट मीन्स बिजनेस वाले जो अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं वो अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं. मतलब उनका साल शुरू होता है 1 अप्रैल को और क्लोजिंग होती है 31 मार्च को. इट मीन्स आपने अपने माइंड में ये रख के चलना है कि एंडिंग ऑफ द ईयर है 31 मार्च. वो पैसे कब लेके आया, 1 अक्टूबर को. कितने पैसे लेके आया, 10,000. अब 10,000 पे पहले हम परसेंटेज लगाएंगे, वो परसेंटेज हमें गिवन है 5%. अब मंथ्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, देखिए वो पैसे लेके आया 1 अक्टूबर को, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को. तो अक्टूबर से हम मार्च तक मंथ्स की काउंटिंग करेंगे कि उसका पैसा बिजनेस में कितने मंथ्स रहा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च. इट मीन्स उसका पैसा ये वाला बिजनेस में आए हुए 6 मंथ्स हो चुके हैं. तो उसको इस पैसे पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, 6 मंथ्स का. तो जब हमने 6/12 लगाया तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, ₹250. अब ये मैंने इसको दो पॉइंट्स में जरूर बांट दिया, लेकिन ये मिला के एक ही क्वेश्चन है कि ए ने पहले कैपिटल 1 लाख दी, फिर उसने एडिशनल कैपिटल 10,000 दी. तो हम एंड में शो करेंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए इज इक्वल टू 5,000 यहाँ पे आया था, 250 यहाँ पे, इन दोनों को प्लस करके ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया, ₹5,250. इसी तरह से हमें सेकेंड पार्टनर की जो इन्फॉर्मेशन दी होगी हम उस पर भी इसी तरह इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं. हाँ जी स्टूडेंट्स, एक और टिप है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए. वो है कि अगर ड्रॉइंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन देन इट डज नॉट इफेक्ट द कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, सो इट इज इग्नोर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इस पॉइंट का क्या मतलब है, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है उस टाइम पे अगर क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स गिवन हो तो ड्रॉइंग्स को हमने टोटली इग्नोर करना है, क्योंकि ड्रॉइंग्स का ओपनिंग कैपिटल पे या एडिशनल कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होता. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स भी आ सकती हैं, जैसे कि कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस. इसका मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय कोई रोल नहीं है, इसीलिए ड्रॉइंग्स को टोटली इग्नोर करना है.
लेकिन अगर कैश विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल गिवन हो तो उसको हम कंसिडर करते हैं, लेकिन वो कैसे कंसिडर करते हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। आज के लिए इतने टिप्स बहुत हैं, इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए आपके बुक में से आराम से 4-5 क्वेश्चंस हो जाएंगे इस चैप्टर के, जो इंटरेस्ट इन कैपिटल के बिगिनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर ऑल द क्वेरीज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।